नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। मैच में हमने बल्लेबाजों का आउट तो बहुत बार होते हुए देखा है, वो भी अलग अलग तरीके से। लेकिन श्रीलंका के बल्लेबाज धनंजय डी सिल्वा जिस तरह आउट हुए उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल गेंद बाहर की ओर जा रही थी, लेकिन डी सिल्वा ने जबरदस्ती उस गेंद से छेड़छाड़ की और अपना विकेट गंवा बैठे। वेस्टइंडीज के गाले में चल रही सीरीज के पहले टेस्ट में श्रीलंका की पारी के 95वें ओवर में वेस्टइंडीज के गेंदबाज शेनन गैब्रियल गेंदबाजी कर रहे थे। गैब्रियल ने आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर शॉर्ट गेंद डाली, जिसे धनंजय डी सिल्वा ने हल्के हाथों से खेला। बल्ले के किनारे पर लगकर गेंद बाउंस हुई और विकेट के पीछे चली गई। डी सिल्वा ने पीछे मुड़कर गेंद को स्टंप पर लगने से बचाने के लिए बैट घुमाया, लेकिन गेंद फिर बल्ले के किनारे पर लगकर हवा में उछल गई। डी सिल्वा ने फिर अपने आप को बचाने के लिए बल्ला घुमाया, जो इस बार लेग स्टंप पर जा लगा और वे हेड विकेट आउट हो गए। डी सिल्वा को 61 रन के स्कोर पर मैदान छोड़ना पड़ा। पहली पारी में धनंजय डी सिल्वा 95 गेंदों पर 61 रन बनाकर आउट हुए। टेस्ट क्रिकेट में दूसरा मौका था जब धनंजय डी सिल्वा हेड विकेट आउट होकर पवेलियन लौटे हों। इससे पहले 2019 में ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क की गेंद पर धनंजय डी सिल्वा हेड विकेट आउट हुए थे, और धनंजय डी सिल्वा टेस्ट क्रिकेट में दूसरी बार हेड विकेट आउट होने वाले श्रीलंका के दूसरे बल्लेबाज भी बने। श्रीलंका दूसरे दिन पहली इनिंग में 386 रन बनाने में कामयाब रही। कप्तान दिमुत करुणारत्ने शानदार फॉर्म में थे। उन्होंने 300 गेंदों पर 147 रन की पारी खेली। उनके अलावा दिनेश चांदीमल ने भी 83 गेंदों पर 45 रन की पारी खेलकर बल्ले से योगदान दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।